नमस्कार। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एचपी जीके से स्टार्ट करेंगे। तो एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम डिटेल में नहीं देख पाएंगे क्योंकि कल संडे था, तो कल दो पेपर जो था वो कंडक्ट किए गए थे। हमने दोनों के दोनों पेपर जो था वो डिस्कस किए थे, उन दोनों पेपर्स को आप देख लीजिएगा। तो आज हम सिर्फ एक रिविज़न ही करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो रिविज़न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एचपी जीके के से हम अभी स्टार्ट करते हैं। सिर्फ रिविज़न की छोटी सी वीडियो है आपके लिए, 128 देखिए। बोलते हैं, चंबा डोमिनियन वॉज फाउंडेड बाय, चंबा अधिराज्य की स्थापना किसने की थी? ये राजा मेरु वर्मन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। 129 में बोलते हैं, विच दिल्ली सल्तन कैप्चर्ड कांगड़ा इन 1337। कांगड़ा को 1337 में किसने जो था वो कैप्चर किया था, किसने जीता था? कांगड़ा को 1337 में जीता गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 130 में बोलते हैं, विच गवर्नर जनरल विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1827। 1827 में कांगड़ा सबसे पहली बार विजिट किया गया था लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड एमहर्स्ट ने कब विजिट किया था शिमला, तो शिमला इन्होंने विजिट किया था 1827 में, और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को दोनों तरह से। अगला क्वेश्चन है 131 क्वेश्चन, बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर? तो हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट बना था 1951 में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अच्छा, कल जो दोनों पेपर हुए थे ना, उन दोनों पेपर्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार उन पेपर के ऊपर ज़रूर नज़र डाल लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। 132 में बोलते हैं, विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ बनेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? बनेड परियोजना को एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। ऑप्शन ए HPSEB जो है वो सही आंसर है। अगला है, CSIR कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में ये CSIR कॉम्प्लेक्स स्थित है पालमपुर में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 134 में बोलते हैं, हिमालयन बॉर्डर लैंड बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये हिमालयन बॉर्डर लैंड बुक जो है वो लिखी गई है राम राहुल के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। 135 में बोलते हैं, सिकरी फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ये जो सिकरी फोक डांस है ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? तो सिकरी जो है वो चंबा का फोक डांस है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बोलते हैं, द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं वॉज रिटन बाय, हुमायूं की बायोग्राफी किसने लिखी थी? ये लिखी गई थी किसके द्वारा? 146 का ऑप्शन डी सही आंसर है, गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर है। 147 में बोलते हैं, हु बिल्ट द फेमस वैकुंठा पेरूल टेम्पल ऑफ कांचीपुरम? तो बोलते हैं, कांचीपुरम का प्रसिद्ध वैकुंठ पेरूमल मंदिर जो था वो किसने बनवाया था? ये बनवाया गया था नंदी वर्मन सेकेंड के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 148 में बोलते हैं, विच वेदा कंटेन्स सेक्रीफिशियल फार्मूलाज? तो बोलते हैं, ये जो सेक्रीफिशियल से यानी कि यज्ञ सूत्र हैं, ये कहाँ पर कौन से वेद में दिए गए हैं? तो ये यजुर्वेद में दिए गए हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्थापना की थी द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हु हैज़ बीन नोन एज दी फ्रंटियर गांधी? तो फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं? ये खान अब्दुल गफर खान को कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइट फंडामेंटल राइट्स आर एंश्योर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से जो है वो सही आंसर है। ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, अंडर विच पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेजिडेंट ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस इज रिड्यूस्ड विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर? तो 152 का ऑप्शन बी रेमिशन जो है वो सही आंसर होगा इसका। अच्छा, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट की, तो अभी आपके पास एक अच्छा मौका है अपनी तैयारी को एक सही शेप देने का। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दिया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। विच स्टेट इज कॉल्ड द क्रैडल ऑफ बुद्धिज्म? तो किस राज्य को बुद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, बिहार। बिहार को जो है वो बुद्ध धर्म का पालना, क्रैडल ऑफ बुद्धिज्म भी जो है वो कहा जाता है। 122 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन वॉज द पंचतंत्रा रिटन? पंचतंत्रा जो था वो कब लिखी गई थी? देखिए, पंचतंत्रा की बात करें तो ये गुप्ता पीरियड के दौरान लिखी गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पंचतंत्रा किसने लिखी थी ये आप कमेंट करके बता दीजिए कि पंचतंत्र किसने लिखी थी। कि सभी क्वेश्चन हमने डिटेल में एक बार डिस्कस कर लिए हैं, अभी सिर्फ क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि जो एग्जाम है वो उसमें आपकी चीज़ें रिमाइंड हो सके। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, टू विच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग? तो अशोक किस वंश से संबंध रखता था? अशोक जो था वो मौर्य वंश से संबंध रखता था। ऑप्शन बी मौर्य वंश जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए,
यहाँ पर पूछते हैं हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम, इक्ता प्रणाली जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। अगर इक्ता प्रणाली की बात करें तो ये किसने स्टार्ट की थी, ये ऑप्शन सी इल्तुतमिस के द्वारा जो था वो स्टार्ट की गई थी। इल्तुतमिस ने इंट्रोड्यूस की थी इक्ता प्रणाली। 125 क्वेश्चन देखिए, 125 में पूछते हैं हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया फॉर ट्रेड, तो भारत में व्यापार के लिए आने वाला पहला यूरोपीय कौन था। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले जो था वो पोर्टुगीज आए थे, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन 2-3 बार जो है वो अलग अलग पेपर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो पुर्तगालियों के द्वारा जो था सबसे पहले व्यापार के लिए भारत आया गया था। 126 में पूछते हैं वेयर डिड बाबर डाई, बाबर की मृत्यु जो था वो कहाँ पर हुई थी। 126 का जो है वो ऑप्शन ए आगरा जो है वो सही आंसर है, आगरा में जो था वो बाबर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 88 क्वेश्चन, बोलते हैं सियूल इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो सियूल जो है वो किसकी सहायक नदी है, ये रावी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 89 में बोलते हैं विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी गई है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 90 में बोलते हैं चबूतरा हिल्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो चबूतरा हिल्स कहाँ पर स्थित हैं, चबूतरा हिल्स हिमाचल में हमीरपुर में स्थित हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। 91 में बोलते हैं कालेश्वर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कालेश्वर मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मनाया जाता है, 91 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। 92 में क्या बोलते हैं, 92 में बोलते हैं भाभा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, भावा घाटी कहाँ पर स्थित है, भावा घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो भुंडा त्यौहार हिमाचल प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है। अगर भुंडा त्यौहार की बात करें कि कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कुल्लू में, ऑप्शन सी सही आंसर है। 94 में बोलते हैं श्रृंगला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, श्रृंगला माउंटेन पीक कहाँ पर स्थित है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है, 94 का ऑप्शन सी सही आंसर है। और अगर टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए सर्च करना @allexam31, इस तरह से टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। और पिछले कल जो पेपर थे उनसे भी आपको डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में आप टेस्ट को, हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।